YouTube ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। नमस्कार, बड़ी बात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। क्या हमलों के पीछे हुड्डा है? क्या हुड्डा ही साजिश करता है? क्या फरवरी 2016 में जो रोहतक में हुआ और अक्टूबर 2016 में जो राजधानी दिल्ली में कांग्रेस के गुटों के बीच में देखा गया, क्या उसके रचयिता भूपेंद्र हुड्डा हैं? ये सभी सवाल इसलिए भी उठे हैं क्योंकि बीजेपी के नेता और मंत्री हुड्डा पर आरोप लगा ही रखे थे। अब खुद हुड्डा के अपने भी बीजेपी के सुर में बोलते नजर आए। सीबीआई की ओर से जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के घर और सरकारी परिसर में आगजनी मामले में पेश की गई चार्जशीट पर कैप्टन अभिमन्यु खुद बड़ा बयान दे चुके हैं। उन्होंने सीधे सीधे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनसे जुड़े लोगों को जिम्मेदार ठहराया है इस आगजनी के लिए। कैप्टन की ओर से कहा गया कि सीबीआई की चार्जशीट की जो खबरें छपी हैं उससे साफ हो जाता है ये दंगे सुनियोजित तरीके से करवाए गए थे, ये एक राजनीतिक दल की साजिश है। साथ ही उन्होंने कहा कि चार्जशीट में सामने आया है कि ये हिंसा और आगजनी सत्ता पलटने और कुर्सी जाने की वजह से की गई थी। चार्जशीट में सामने आए नाम सीधे तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़े लोगों के हैं। साथ ही कैप्टन ने यह भी कहा कि कोई चार्जशीट को अगर पढ़ ले तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हजारों लोगों की दुकान मकान जलाए गए, 32 लोगों की मौत हुई, मेरे परिवार को जान से मारने की कोशिशें की गई, ये हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु कहते हैं। साथ ही आरक्षण आंदोलन से जुड़े लोगों का इस हिंसा से कोई लेना देना नहीं है, ये बात भी उनकी ओर से कही गई, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनसे जुड़े लोग इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। मेरा आवास और परिवार पहले से ही निशाने पर था, ये भी कैप्टन ने कहा है। साथ ही चार्जशीट में ऑडियो टेप का जिक्र किया गया है, जब किसी तरह की कोई हिंसा भी नहीं थी उसके बावजूद पहले से स्क्रिप्ट तैयार की जा चुकी थी तो षड्यंत्र करार दिया गया है तमाम चीजों को जो आगजनी की गई कैप्टन के घर पर। आगे ये भी कैप्टन ने कहा कि पूरे मामले के पीछे राजनीतिक लोग थे जिनके खुद के स्वार्थ जुड़े थे, लेकिन आगजनी और लूटपाट कुछ आपराधिक जो तत्व है उनकी ओर से की गई बदनामी पूरे समाज को झेलनी पड़ी। तो पहला हिस्सा ये था जब चार्जशीट पेश की गई थी, उसके बाद कैप्टन की ओर से आरोप लगाए गए। एक राजनीतिक दल तो आप मानकर चलिए कि कांग्रेस पर आरोप लगाए गए थे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाए गए थे, उनके कुछ करीबियों को जिम्मेदार ठहराया गया है आगजनी के लिए, और कैप्टन का यह भी मानना है कि मेरे परिवार को जान से मारने की कोशिश की गई थी, षड्यंत्र किया गया था, पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली गई थी, उसके बाद मेरे घर को आग के हवाले कर दिया गया था। तो चार्जशीट के बाद कैप्टन बोल चुके हैं, बड़ा बयान वो दे चुके हैं, उसके बाद सियासत को जो है जबरदस्त गति मिली है हरियाणा में। कैप्टन के बयान के बाद हुड्डा भी बोले हैं, उनकी ओर से कहा गया कि भगवान इन्हें माफ करे, ये बिना आधार की बात कर रहे हैं। सुन लीजिए, भगवान उनको माफ करो, उनको पता ही नहीं वो क्या कह रहे हैं, बिना आधार की बातें और घिनौनी बातें, ये पॉपुलैरिटी की निशानी है। कोर्ट में केस है, सब जुडिस है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बात अगर यहीं तक थी तो भी ठीक था, बीजेपी का हुड्डा पर आरोप लगाए जाना, हुड्डा या कांग्रेस कह सकते थे कि राजनीतिक बदले की भावना के तहत काम किया जा रहा है, राजनीतिक बदला लिया जा रहा है, लेकिन खुद अपनों ने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के हरियाणा अध्यक्ष अशोक तंवर की ओर से यह तक कहा गया है कि कैप्टन अभिमन्यु का घर जलाने वाले गुंडों ने उन पर भी हमला किया था राजधानी दिल्ली में। या और जो दूसरे साथी वो आकर के बताते हैं ये बात, तो मैंने तो आज तक वो फोटो भी नहीं देखे कौन है, लेकिन मेरे को ये बताया गया कि जो लोग कैप्टन अभिमन्यु की कोठी जलाने वाले थे वही गुंडों ने हमारे ऊपर भी आक्रमण किया था। तो अशोक तंवर को आपने सुना और अशोक तंवर का बयान क्या सामने आया, बीजेपी को एक बार फिर से मौका मिला है कांग्रेस को घेरने का। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री ओपी धनखड़ अशोक तंवर के साथ उधर आए हैं, उनका समर्थन वो कर रखे हैं। धनखड़ ने अशोक तंवर को सच बोलने पर बधाई दी है और जो गलत हुआ उसके खिलाफ आवाज उठाने पर बधाई दी गई। सूर्य, ये किसी से छुपा नहीं है कि रोहतक में आग कांग्रेस में लगा है, ये पहले से उजागर तक थे, सब कांग्रेसी उसमें थे, इसमें बिल्कुल छुपा हुआ नहीं है। कांग्रेसों के टेप पकड़े गए थे, कांग्रेसों की साउंड रिकॉर्डिंग है। मैं तो अशोक तंवर की बड़ाई करता हूँ इस बात के लिए कि उसने हिम्मत की है, अपनी पार्टी के उन आग लगाने वालों की तरफ इशारा किया है
कि यही आग लगाने वाले थे। ये हरियाणा हरियाणा जलाने वालों को, रोहतक जलाने वालों को कभी माफ नहीं करेगा, ये बिल्कुल उनके सामने आ गया है। और उनकी पार्टी की तरफ से भी पार्टी के अध्यक्ष ने कहा है, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बहादुरी की बात है। तो कैप्टन अभिमन्यु के घर पर आगजनी और तोड़फोड़ के मामले को लेकर सीबीआई की चार्जशीट में 11 नए नाम शामिल किए गए हैं और खबरें ये हैं कि हुड्डा साहब के करीबी लोगों के नाम सामने आए हैं, कांग्रेस से जो लोग जुड़े हैं उनके नाम सामने आए हैं। अब बीजेपी को सीधे तौर पर मौका मिला है कांग्रेस पर सवाल खड़े करने का, भूपेंद्र हुड्डा पर सवाल खड़े करने का। और कैप्टन साहब की ओर से कहा गया, कैप्टन अभिमन्यु ये कहते हैं कि मेरे घर को साजिशन जलाया गया, पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली गई थी, किसी तरह की कोई हिंसा नहीं थी, लेकिन मेरे परिवार को मारे जाने का षड्यंत्र रचा गया, मेरे परिवार खत्म किए जाने का, साथ ही आगजनी की पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली गई और इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, एक राजनीतिक दल जिम्मेदार है, यानी कि कांग्रेस पर निशाना साधा गया है। साथ ही हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिम्मेदार हैं, हुड्डा साहब प्रतिक्रिया दे चुके हैं, लेकिन बीजेपी के जवाब तो वो देते, लेकिन खुद उनके अपनों की ओर से सवाल खड़े किए गए हैं। अशोक तंवर ये कहते हैं कि जिन्होंने कैप्टन का घर जलाया है, कैप्टन अभिमन्यु के घर पर आगजनी की है, उन्हीं गुंडों ने दिल्ली पर मुझ पर हमला किया था, दिल्ली में मुझ पर हमला किया था, तो इसके बाद सियासत गर्मा गई है, लेकिन साहब की कितनी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, कितनी राजनीति है इस मामले में, उसको लेकर चर्चा करेंगे। एक खास पैनल मेरे साथ है, तो बीजेपी से हमारे साथ हैं श्यामलाल बंसल जी, स्वागत है आपका। कांग्रेस की ओर से हमारे साथ केवल ढिंगरा साहब हैं, बहुत स्वागत है आपका। और रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी के एस तोमर जी हमारे साथ हैं। के एस तोमर जी से जानेंगे कि इस मामले में किस तरह से क्या क्या समस्याएं उस वक्त पेश आई थी, राजनीति कितनी है। और वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप कोटला जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र सिंह जाधौन साहब हमारे साथ हैं, सभी का स्वागत है इस चर्चा में। और शुरुआत करेंगे ढिंगरा साहब आपसे, हुड्डा साहब पर आरोप लगा रखी है बीजेपी, आपने सुना भी, और अभी आपके प्रदेश अध्यक्ष की ओर से ये कहा गया कि जिन्होंने कैप्टन का घर जलाया था उन लोगों ने, उन गुंडों ने मुझ पर भी हमला किया था, बताइए। देखिए, जो बात आप अशोक तंवर के साथ इस मामले को जैसे जोड़ के बात कर रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ अशोक तंवर जी से कि वो कौन लोग हैं जो कांग्रेस की रैली में पहुंचे और जो लोग इनका घर जलाने के लिए वहां, तो नाम लेने चाहिए उनको। जहां तक कोई नाम समझ में नहीं आ रहा, वो सीधी सीधी बात ये कर रहे हैं कि मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला, तो ये मीडिया का माध्यम क्या होता है ये तो ज्योति जी आप बता सकते हैं, मुझे तो पता नहीं कि वो आदमी कौन थे। जहां तक आपकी पार्टी के राज्य अध्यक्ष हैं सर, वो आपकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, बिल्कुल है, क्या उनका उनका जो कहना है उससे आप इत्तेफाक नहीं रखते कि भूपेंद्र हुड्डा के जो करीबी थे, जो कि चार्जशीट में सामने आए थे, जो कि बीजेपी आरोप लगाती है, उन्हीं गुंडों ने मुझ पर हमला किया था, राजधानी दिल्ली में हमला किया गया था उन्हीं गुंडों की ओर से, क्या आपको इस बात की जानकारी नहीं है? मैंने आपको पहले ये कहा कि अशोक तंवर जी ने ये बात कही है कि मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला कि वो लोग वही है, लेकिन अब मीडिया का माध्यम कौन साहब वो वही बताएंगे ना, मुझे तो मालूम नहीं ये बात। और मैं ये चाहता हूं कि वो मीडिया के माध्यम से पूछ के कौन से मीडिया वाले ने उनको बताया और वो क्लियर करें कि वो किसके आदमी थे। मैं तो चाहता हूं ये बात क्लियर हो और जनता को पता चले, आपने जिस तरह से उसको, उनके बयान को इस तरह से हुड्डा साहब के साथ जोड़ के दिखाया, तो वो ये भी क्लियर करें कि वो आदमी कौन थे, एक बात। दूसरी बात, आप ये देखिए, जितना वो दंगा हुआ, घर जले और भी कई प्रॉपर्टियां जली और भी कई कुछ हुआ, इन्होंने, सरकार ने एक प्रकाश सिंह कमेटी गठित की, उस प्रकाश सिंह कमेटी में क्या रिपोर्ट दी है उसको भी इनको पढ़ना चाहिए। ये सवाल सिर्फ धनखड़ साहब को सीधे ही नहीं उठाने चाहिए, उनको ये भी पढ़ना चाहिए कि प्रकाश सिंह कमेटी किसने गठित की है और उसकी रिपोर्ट क्या है। उस रिपोर्ट में जब होम मिनिस्टर को जिम्मेवार ठहराया गया, तो होम मिनिस्टर जो है खुद खट्टर साहब है, और उनके ऊपर क्यों सवाल क्यों उठाए। आप सीबीआई की जांच पर आइए सर, आप सीबीआई की जांच पर आइए। 11 नए लोगों के नाम शामिल किए गए हैं, जो नाम सामने आए हैं, जो खबरें हैं वो ये हैं कि हुड्डा साहब के करीबी हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कुछ लोग वो हैं जो कांग्रेस से जुड़े हैं। ये आरोप बीजेपी की ओर से लगाए गए चार्जशीट सामने आने के बाद, उसके बाद आपकी पार्टी के राज्य अध्यक्ष ये कहते हैं, प्रदेश अध्यक्ष ये कहते हैं कि वही गुंडे हैं जिन्होंने मुझ पर भी हमला किया था दिल्ली में। देखिए, ये 11 किन लोगों पर आरोप लगे थे इस बात की जानकारी है? मैं वही बात दोबारा दोहरा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ, वो 11 लोग हो, 22 हो, 35 हो, 50 हो, जो आदमी कैप्टन साहब कह रहे हैं, अभिमन्यु जी कह रहे हैं, वही चार्जशीट दायर करवाने वाले हैं। अगर वही जो बात कह रहे हैं, वो तंवर साहब को कैसे पता है कि वही आदमी थे? मैं तो पूछ रहा हूं कि तंवर साहब इस बात का जवाब दे कि कौन से आदमी थे और कौन सी पार्टी से संबंधित थे, ये भी सारी चीज का खुलासा होना चाहिए। कांग्रेस की रैली में गए थे तो कौन होंगे सर? कांग्रेस की रैली में शामिल होंगे
कांग्रेस की रैली में गए थे, और जो चार्जशीट कहते हैं, जो कि आप ही कह रहे हैं, आप ही कहते हैं सर, सुनिए कैप्टन साहब की ओर से, मैं आपको फिर दोबारा दोहराता हूँ, मैं आपको फिर वही बात पे लाता हूँ। देखिए उनकी जिन लोगों के चार्जशीट में नाम है उन लोगों की फोटोएं कैप्टन अभिमन्यु के साथ भी है, उन लोगों की फोटोएं खट्टर साहब के साथ भी है। मैं आपको यही तो पूछना चाह रहा हूँ, वो लोग कौन है? गौरव हुड्डा का नाम सामने आया है, जिसका बीजेपी हवाला देती है। दो मेन अभियुक्त ज्योति जी, उसके अंदर दो मेन अभियुक्त हैं, जिसका नाम सुदीप कलकल है, दूसरे आदमी का नाम मनोज है, इनकी आपस मनोज दुहन, इनके आपस में वार्तालाप की भी बात है उसी के अंदर। तो मेन जो आदमी है इन्हीं की फोटोएं कैप्टन अभिमन्यु के साथ कैसे है? इन्होंने यही कल्प्रिट है, इन्होंने ही घर जलाया है, तो इनकी फोटोएं कैप्टन अभिमन्यु के साथ कैसे है? बीजेपी क्या कैप्टन अभिमन्यु ये खुलासा नहीं करते कि वो आदमी मेरे साथ फोटोएं भी खिंचा के गए हैं? क्या वो खुलासा नहीं करते कि खट्टर साहब जो है उनके साथ उनकी फोटोएं? ये तो मीडिया के माध्यम से जारी हो चुकी हैं, मीडिया में आ चुकी हैं ये फोटोएं। तो ये किस तरीके से कह रहे हैं कि वो हुड्डा साहब के आदमी है? ये तो एक जांच का विषय है। फोटो खिंचवाया जाना करीबी होना नहीं होता, ज्योति जी यही बात तो मैं कह रहा हूँ, मैं भी तो यही बात कह रहा हूँ। तंवर साहब ये कह रहे हैं कि मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला, तो मीडिया का माध्यम कौन सा है? ये भी तो क्लियरिटी आनी चाहिए, जिस बात पे आप ज्योति जी मेरे को कह रहे हैं कि मैं जवाब दूं, मैं तो दे रहा हूं जवाब कि इस बात का खुलासा या तो अशोक तंवर कर सकते हैं कि वो आदमी नेम बाय नेम कौन है और वो जानते हैं, या खुलासा कैप्टन अभिमन्यु कर सकते हैं जिनके साथ उनकी फोटो है, वो खुलासा कर सकते हैं और वही चार्जशीट देने वाले हैं। अब ये तो इंक्वायरी के बाद पता चलेगा कि कौन सी कार्रवाई है। जो हुड्डा साहब कह रहे हैं कि वो मामला क्या होगी और जांच क्या होगी, आएगी, ये थोड़ा इंतजार, ये बात छुपेगी नहीं, लेकिन फिलहाल आरोप लग रखे हैं, फिलहाल आरोप लग रखे हैं। क्लैरिटी आएगी और क्लैरिटी आने के बाद दूध का दूध पानी का पानी होगा, और प्रकाश सिंह कमेटी जो है वो सारी रिपोर्ट को ऊपर उजागर कर चुकी है, जिसको अनिल विज ने ये कहा कि इसको कूड़े की रद्दी में फेंक देना चाहिए। ये बात कैप्टन अनिल विज ने कही, जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान अधिकारियों की भूमिका क्या रखी, इसके लिए कमेटी गठित की गई थी, लेकिन जो कैप्टन साहब का घर जला, अग्निनी जो की गई, सरकारी परिसर जले, उनके लिए सीबीआई जांच कर रखी है, सीबीआई की ही चार्जशीट है, और सीबीआई की चार्जशीट को लेकर ही चर्चा कर रखी है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे बंसल साहब, आरोप ये लग रखे हैं कि अदालत फैसला करेगी, आप लोग आरोप क्यों लगा रखे हैं फिर भूपेंद्र हुड्डा पर या कांग्रेस पर? जाट आंदोलन जब हुआ, जाट आंदोलन होने कोई बड़ी बात नहीं, आंदोलन होना चाहिए, अपनी डिमांड के लिए होना चाहिए, लेकिन उसको उकसाने के लिए, क्यों, जो सत्ता से बाहर हो उसको उम्मीद भी ना हो, और उसके बाद उसको कोई ना कोई ऐसा उसने षड्यंत्र रचा, किसके कारण? प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट में किसने षड्यंत्र रचा? तो आप ही की बनाई हुई कमेटी है। लिंगराज जब आप बोले, मैं बिल्कुल नहीं बोला, या तो मेरी बात सुन ले, उसके बाद आप जवाब देना। उस टाइम इस प्रकार से छिटपटाए हुए थे कि हमारी सरकार क्यों नहीं आई, उस चक्कर में इन्होंने जाट आंदोलन के अंदर जो घी डाला उसके ऊपर आपको पता है, उसके अंदर जो इनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे उनको भी, उसके ऊपर भी केस बना, उनको भी अरेस्ट किया गया। क्या ये क्लियर हो चुका है? क्या ये पूरी तरह से साफ हो चुका है कांग्रेस ने हिंसा करवाई थी? बंसल साहब, क्या ये पूरी तरह से साफ हो चुका है? जिस तरह से आरोप लगा रखी है, आरोप इस भाषा में लगाया गया, रोहतक को जलाया गया, रोहतक को जलाकर अभिमन्यु जी के कोठे उनके लोगों को मारने के लिए गए, इन लोगों ने सर्किट हाउस जला, ये सारी की सारी रूपरेखा जो पहले से बनाई गई। और तंवर जी ने जो बयान दिया, तंवर जी को एक राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष को उस कांग्रेस की रैली के अंदर पीटा गया और उसके सिर फोड़े गए, हाईकमान को उन्होंने शिकायत जाके की, और उसके उन्होंने कहा भी वही लोग हैं जिन्होंने अभिमन्यु की कोठी के ऊपर आग लगाई और उन लोगों को मारने की कोशिश की। तो ये लोग कांग्रेस से जुड़े हुए नहीं थे, ये कांग्रेस के लोग थे जिन्होंने उनके घर पे आग लगाई, और तंवर के ऊपर हुड्डा ग्रुप के ही बंदे थे। ढिंगरा जी आप मादा रखो सुनने का, दो मिनट उसके बाद बोल लेना, आपको कोई मना नहीं कर रहे, एक तरफा बात दूसरा तरफा बोल रहे थे, मैं चुप रहा, एक तरफा बोलो जितना बोला, लेकिन मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं बात का जवाब दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा ऐसे ही इन्होंने वहां शरारत के पूरे रोहतक को जलाया, वहां के दुकानदार भाईचारे को खत्म किया, उसके बाद अभिमन्यु जी के कोठी पे जाके हमला किया, वहां के
वहां बच्चों समेत वो कैसे निकले, प्रभु की कृपा, वहां लोगों को मारने के लिए जांच पूरी तो हो गई है। जांच सीबीआई, सीबीआई ने जांच जो एक साल पहले थी उसकी जांच आ गई है, उसके अंदर जो रिपोर्ट है, जो 11-12 लोग है उसमें एक साल पहले ये वो जो डीजी थे यूपी के, जो प्रकाश उसी के ऊपर तो रिपोर्ट दिया, उस रिपोर्ट है डिंगरा जी, या तो आपको आ जाता है या आपको दूसरे को, ये मैं पूछ रहा हूँ रिपोर्ट क्या है, मेरे छुपाने के लिए आप दोबारा दूसरे को खोलने नहीं देना चाहते, क्या ऐसा नहीं होगा, या अपनी बात को पूरा रखो दूसरे की सुनो ताकि उसका जवाब जो सही है पता लग जाए। जवाब ही पूछ रहा हूँ उस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, जो बार बार बोलते हैं ऐसे है, अगर इन्होंने बुलाया तो आपकी बात पूरी सुनी, कोई नहीं हमारे पास। आपने बड़ी बात कही, कांग्रेस से जुड़े लोग नहीं है, कांग्रेस के ही लोग हैं, कांग्रेस के ही लोग हैं, उन्होंने षड्यंत्र रचा क्यों, ये सरकार को फेल करने की कोशिश थी, भाईचारे को खत्म किया, और वहां पे अगर उस टाइम गवर्नमेंट एक्शन में ना, ही लोग हैं तो कौन कौन है वो नाम लिख कर रखिएगा, आपसे पूछेंगे अगले सवाल पे। अभी रविंद्र ढुल साहब हैं हमारे साथ इनेलो की ओर से, फोन लाइन पर जुड़े हैं, बहुत स्वागत है ढुल साहब आपका। रविंद्र ढुल साहब सुन पा रहे हैं आप जी, आवाज मिल पा रही आपको? जी बिल्कुल। अभी कैप्टन अभिमन्यू के घर पर आगजनी का जो पूरा मामला रहा, सीबीआई ने चार्जशीट दी है, इसमें बीजेपी ये कहती है कि हुड्डा और हुड्डा के करीबी जो है वो ही दोषी पाए जाएंगे, अभी अशोक तंवर भी ये कहते हैं यही वो गुंडे हैं जिन्होंने मुझ पर भी हमला किया था, इसमें इनेलो को क्या लगता है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, आपकी पार्टी को क्या लगता है? देखिए हमारी पार्टी की पहले तो इसके मामले में, जांच के मामले में हमने मांग की थी कि जिसमें जो जो भी हत्याएं हुई उस समय पर और जिन जिन जो जो भी लोग मरे थे सबकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। पहली बात तो इसका जांच का दायरा केवल कैप्टन अभिमन्यु की कोठरी तक सीमित करना ही इस बात को जारी बताता है कि सरकार कहीं ना कहीं अपनी मंशा को छिपाने का प्रयास कर रही है कि इस साजिश के पीछे पूरी तरह से कौन था। हाँ, दूसरी बात यह है कि कोठरी वाला मामला जो था वो दुर्भाग्यपूर्ण था, उसके पीछे जो भी लोग हैं उनको तो सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई नहीं। अब इस बात का जवाब जो है इनको देना चाहिए जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि क्या असलियत में उनका कोई रोल था अथवा नहीं था, यदि नहीं था क्यों नहीं वो प्रोटेस्ट पोटेशन डाल करके हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट मूव करते कि ये सीबीआई की जांच गलत दिशा में हो रही है, राजनीतिक बयानबाजी से ये क्या निकालने वाले हैं। चलिए केवल ढिंगरा साहब इस बात का जवाब दीजिए, बयान दिए जाते हैं आप लोग जवाब दे देते हैं, लेकिन कानून जो रास्ता हो सकता है अगर आप लोगों को लगता है गलत आरोप लग रखे हैं तो ढुल साहब की ओर से जो सवाल किया गया उसका जवाब दीजिए। देखिए इसी मामले के अंदर राजकुमार सैनी ने हुड्डा साहब पे टिप्पणी करी, हुड्डा साहब ने उनको नोटिस दे दिया, उन्होंने माफी मांग ली। अब यही बात तो मैं कहने जा रहा हूं, अभी ये जो मामला आज उठा है इसकी आज ही तो नहीं कुछ होगा, अब इसके बारे में हम विचार करेंगे कि क्या कार्रवाई कानूनी बनती है और क्या करनी है हमने, और इसके ऊपर भी होगी। अभी मैं नहीं ये बात कह सकता, लेकिन ये हमारी कांग्रेस की जो सारी लोग हैं वो फैसला करेंगे, हुड्डा साहब इसमें देखेंगे क्या कार्रवाई करनी चाहिए, क्या कार्रवाई करनी बनती है, उसका जो जो पहलू होगा उसके अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे। लेकिन एक बात बता दूं, राजकुमार सैनी इसके अंदर अभियुक्त रोल था, बीजेपी का एमपी था और उसने सारे दंगे भड़काए, ये प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है, और वो बीजेपी के एमपी और कैप्टन अभिमन्यु का रोल भी रहा। एक बसंत पंचमी का प्रोग्राम था, जींद के अंदर एक रैली की गई, उस रैली के अंदर जो जो बातें कैप्टन अभिमन्यु ने की कि आप जाटो, आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, कई बारी पीछे आके बॉल को तेज करना पड़ता है, ये जींद की रैली में जाट रक्षण से पहले जाटों को संबोधित कर रहे हैं कैप्टन अभिमन्यु, ये बसंत ऋतु का प्रोग्राम था उसके अंदर संबोधित किया, इसका मतलब क्या निकलता है ये भी बताना इनको चाहिए। ये जब जब ये चीजें करी जाती हैं, कौन कौन से षड्यंत्र इन्होंने रचे, कौन कौन से वो हुए, सीबीआई की कोई जांच नहीं इन्होंने कराई, एक घर की जांच करा के उसको बंद करने का काम किया, प्रकाश सिंह कमेटी के अंदर जितने काम हुए सुन लीजिए मैम, प्रकाश सिंह कमेटी के अंदर जितनी रिपोर्ट आई उसको कूड़ा के टोकरी में फेंकने का काम इस सरकार ने किया। जब तक कुछ आपके लिए आसान है सर कि प्रकाश कमेटी पर ही चर्चा करेंगे, लेकिन सीबीआई पर चर्चा करना हमारी मजबूरी नहीं, ये जाट रक्षा पे भी चर्चा है साथ ही सर, टॉपिक यही है कि जो नाम सामने आए हैं उसमें आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं, हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं है, हुड्डा साहब के करीबियों पर आरोप लग रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, आप हमारे कांग्रेस का आदमी है ना मनोज गुहन है, आप उसके बाद किसी नाम ले जाओ, आप कितने नाम लिखो, चार्जशीट बना दो चाहे कुछ बना दो, बीपी बत्रा के पीए का नाम बता दिया आप जितने आदमियों के नाम लिख दे वो न्यायालय फैसला करेगा,
आप लोग कानूनी रास्ता अपना सकते हैं, लेकिन बिल्कुल उसमें ये सही नहीं है कि आप सीबीआई की चर्चा नहीं करेंगे, आप प्रकाश कमेटी पर की चर्चा। अनिल आर्य जी हमारे साथ जुड़ गए, अनिल आर्य जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्वागत है आपका चर्चा में। अनिल आर्य जी, क्या लगता है क्या कुछ ये जारी है हरियाणा की राजनीति में कैप्टन साहब के घर को लेकर, आगजनी को लेकर? देखिए ज्योति जी, ये तो बिल्कुल स्पष्ट सी बात है कि एक पूरे घर, एक मंत्री का घर जो जलाया, वहाँ पर पहले सिक्योरिटी मौजूद थी, कैसे कैसे ये सब कुछ हुआ। हालांकि मैंने पूरी जो रिपोर्ट है वो पढ़ी नहीं है अभी तक, और उससे पहले मैं सीबीआई ने क्या क्या कहा है उसके बारे में स्पष्ट तौर पर नहीं कह सकता कुछ भी। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि लगभग जो है 120 बी के तहत 64 आदमियों को जो है नोटिस जारी किए गए थे सीबीआई द्वारा। उनमें से दो लोग ऐसे हैं जो इनकी कैप्टन अभिमन्यु जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं, नारनौंद से बिलोंग करते हैं, और उनकी लोकेशन जो है वो वहाँ की है। तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जिनका पॉलिटिकल इस्तेमाल किया जा रहा है, और दोनों ही पार्टियाँ, इन्होंने जाट आरक्षण आंदोलन का भी सभी ने, दोनों नहीं नहीं सभी ने, दो तो मुख्य रूप से है जिसमें कांग्रेस भी है और बीजेपी भी है, बीजेपी के भी लीडर इसमें प्रॉपर भड़काने में रहे हैं, और जो लाभ उठाना चाहा है वो कांग्रेस ने भी लाभ उठाना चाहा है। और जहां तक बात थी कि इनेलो की, इनेलो भी चाहती तो उस टाइम ओम प्रकाश चौटाला जी बाहर थे और उनका बहुत बड़ा फॉलोइंग है, वो इस बारे में अपील जारी कर सकते थे, शायद उन्होंने पैरोल पे थे इसलिए नहीं की उन्होंने। लेकिन ये कि किसी भी पॉलिटिकल आदमी ने या किसी भी बुद्धिजीवी ने इस पूरे मामले को रोकने का प्रयास ही नहीं किया, सभी लोगों ने उसमें लाभ उठाने का सोचा है कि गैर जाट जाट और राजनीति में बीजेपी को फायदा है, इन्होंने फायदा लिया, आग में घी डाला सांसद सैनी साहब ने, और इन्होंने क्या नाम है अनिल विज जी ने, और दो तीन और ये जैसे आर्य साहब है इनकी पार्टी में थे, अब तो छोड़ गए हैं वो, रोशन लाल आर्य, हाँ रोशन लाल आर्य ने तो। और रही बात, जैसे बात आ रही बार बार इनका नाम आ रहा है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अगर इस सीबीआई में आरोपी हैं या उनके ऊपर आरोप है तो उनको अरेस्ट क्यों नहीं करते? हाँ। और अगर जैसे मनोज दोहन नाम एक, मैं बताता हूँ आपको स्पष्ट, मेरे इलाके के रहने वाले, मैं खूब अच्छी तरह से उनको जानता हूँ, और वो उस दिन वहां थे भी नहीं, उनको 120 बी में स्टिल डेट से अरेस्ट कर रखा है। अगर 120 बी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बनती है तो अरेस्ट करें उनको, या जिस पे भी बनती है उस पे करें, लेकिन स्पष्ट थे लेके आए, उसका राजनीतिक इस्तेमाल ना करें। जो कैप्टन साहब कह रहे हैं कि भाई मेरे बच्चे वहां पर थे, इनकी सिक्योरिटी कहां थी? सिक्योरिटी किसने हटाई वहां पे? एक मंत्री के घर पर इतनी सिक्योरिटी रहती है? तो जितना भी वो मॉब था, और रही बात 52 बच्चे उस डेट से बंद है लगभग, और शायद 5-6 बच्चे और इसे उसमें चले जाएंगे, वो एक भड़काए हुए बच्चे थे, सारे के सारे भड़के हुए बच्चे थे, उनको कैसे भड़काया गया, कैसे भड़काया गया, किसने भड़काया? असली आरोपी तो ज्योति वो लोग हैं जिन्होंने उनको भड़काया है, बल्कि उनको तो मानवता के आधार पर, बच्चों के आधार पर, के उनको उस टाइम का माहौल ऐसा था, इस टाइम पर उनको तो वैसे ही छोड़ देना चाहिए था जो उनको इतने दिन से अरेस्ट कर रखा है इन्होंने। देखिए राजनीतिक इस्तेमाल तो हुआ क्या जाट आरक्षण आंदोलन का भी, उसके बाद जो जांच है उसमें भी जाधव साहब आरोपी लग रहे हैं, बीजेपी के नेताओं पर कांग्रेस आरोप लगाती है, और कांग्रेस से जुड़े लोगों के नाम सामने आए हैं जो कि बीजेपी का पक्ष है। जाधव साहब देखिए, ये जो है राजनीतिक स्टंटबाजी चल रही है इस समय, चूंकि सीबीआई ने अगर चार्जशीट पेश की है तो कोर्ट की स्क्रूटनी होनी चाहिए कि कोर्ट आखिर किस नतीजे पर पहुंचता है। फिर सीबीआई ने अगर जांच की है तो साजिश के पहलू की भी जांच होनी चाहिए थी। 120 बी धारा जो है आईपीसी में नियत है कि कोई अपराध हुआ तो क्या उसके पीछे कोई साजिश करता था, और अगर साजिश करता है तो उसको भी सजा मिलती, और बराबर ही मिलती है, करने वाले के बराबर ही मिल जाती है उसको सजा। तो इसमें सीबीआई ने क्या जांच की, आगे हियरिंग में क्या पहलू सामने आते हैं, मामला जो कोर्ट में आ चुका है ये देखने की बात है कि सीबीआई ने क्या फॉरेंसिक सबूत जुटाए हैं, और क्या उन्होंने कोई गवाह अप्रूवर तैयार किया है कि जिसने कोई स्टेटमेंट दिए, उसके बगैर तो आप ये फैसला नहीं कर सकते ना, मात्र फोटो के आधार पर, कि फोटो तो किसी के भी साथ हो सकते हैं, फोटो के तो बड़े इंस्टांसेज हैं। जो चैट सामने आई है, जो बातचीत सामने आई है, ऑडियो टेप भी सामने आई है जिसका हवाला दिया गया है चार्जशीट में। हाँ, ऑडियो टेप तो ऑडियो टेप का भी ये देखना पड़ेगा, उसकी भी फॉरेंसिक जांच हो सकती है, क्योंकि लोग कोर्ट में जा सकते हैं। ये देखिए कि सीडी कांड हुआ था, कि सीडी में जो है स्टिंग हो गया कि वो रिश्वत मांगते हुए पकड़े गए, और ये पकड़े गए कांग्रेस के एमएलए, फिर हाई कोर्ट में चले गए, उसकी फॉरेंसिक जांच हो गई हैदराबाद तक, और पता चला कि वो जो है प्रॉपर उसका जो है किस कैमरे से वो ओरिजिनेटेड हुई,
उस कैमरे की जांच नहीं, तो फॉल्ट पकड़ा हो गया। तो अब ये ऑडियो का भी कोर्ट की स्क्रूटनी और कोर्ट की पूरी जांच के बाद ही एस्टेब्लिश हो सकता है। वैसे ही ये लगता है कि जो घटनाक्रम हुआ है उसमें ये निश्चित दिखाई देता है कि कोई साजिश का पहलू है। कोई भी वायलेंस इतने बड़े लेवल पर अचानक बस्ट नहीं हो सकती, अचानक ट्रिगर नहीं हो सकती। ये लगता है कि इसमें कोई साजिश का पहलू है, लेकिन इसके पीछे कौन है ये स्क्रूटनी कोर्ट की स्क्रूटनी में ही फैसला हो पाएगा। तोमर साहब आपके पास आएंगे, उससे पहले छोटा सा जवाब ले लें। बंसल साहब, आपकी ओर से कहा गया था कि कांग्रेस से करीबी नहीं, कांग्रेस के ही लोग रखे जिन्होंने स्क्रिप्ट तैयार की, ये पूरी रणनीति तैयार की गई, साजिश की गई, बताइए कौन कौन। जब ये आंदोलन हुआ, आंदोलन के बीच में इन लोगों ने जिस तरीके से लोगों को भड़काया और जिस तरीके से हुआ, तो ये पूरी प्लानिंग के साथ हुआ। इनके कांग्रेस के अपने लोग जिन्होंने कहा भी इस आंदोलन के माध्यम से हम ये सरकार को यहाँ फेल करने के लिए इन्होंने किया था, और जिसका नतीजा निकला जो 20 फरवरी को हुआ। चलिए तोमर साहब आपका पहला कमेंट लेंगे और कोटला साहब आपका भी पहला कमेंट लेंगे, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, उसके बाद चर्चा जारी रखेंगे। तो सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की है, 11 नए नाम शामिल किए गए हैं, उसके बाद राजनीति पूरे जोरों पर नजर आ रखी है। बीजेपी आरोप ये लगाती है, खुद कैप्टन साहब आरोप ये लगाते हैं कि भूपेंद्र हुड्डा और उनके करीबी कांग्रेस से जुड़े लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल रखे कैप्टन के घर पर आगजनी के मामले में, सरकारी परिसरों में आग लगाने के मामले में, तो उसी को लेकर चर्चा हम कर रहे हैं। खास बात यह है कि अशोक तंवर की ओर से यह कहा गया कि जिन गुंडों ने कैप्टन साहब का घर जलाया था वही गुंडे मुझ पर हमला करने वाले लोग शामिल थे दिल्ली में जब हमला किया गया, तो उसी को लेकर चर्चा हम कर रहे हैं। कोटला साहब आपका रुख करेंगे, आपसे ये जानेंगे कि कानूनी पक्ष क्या है इस पूरे मामले का, जो 11 नए नाम शामिल किए गए हैं जिस तरह से आरोप लग रहे हैं। देखो अभी तो चार्जशीट फाइल हुई है, चार्जशीट फाइल होने के बाद जितने भी इसमें नामजद एक्यूज हैं उनको नोटिसेस जाएंगे, कुछ जेल में होंगे, कुछ बाहर होंगे, रेगुलर बेल पे होंगे, तो उनको नोटिस जाएंगे। चार्जशीट के बाद उनके पास उनके ऊपर चार्जेस फ्रेम होंगे, चार्जेस फ्रेम होने के बाद फिर गवाही के ऊपर केस लगता है, फिर गवाह एक एक, अब ये नहीं पता चार्जशीट के अंदर गवाह कितने हैं, तो इट विल टेक टाइम टू डिसाइड द एलिगेशन इन द चार्जशीट। चार्जशीट में जो सारे के सारे एक्यूज हैं, कोई जरूरी नहीं है कि क्योंकि सभी के सभी को जो है ना इसमें गिल्टी होल्ड कर दिया जाए, कुछ जिनका रोल नहीं साबित हो पाता उनके खिलाफ जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या ये बहुत जल्दबाजी नहीं है? बहुत जल्दबाजी है, अभी तो कोर्ट का डिसीजन तो आने दो, गवाही आएगी तभी कोर्ट को डिसीजन लेगी। अभी तो सिर्फ आप चार्जशीट फाइल हुई है, एलिगेशन है, उन एलिगेशन को प्रूव करने के लिए, उनकी सत्यता की कसौटी पे उसको साबित करने के लिए गवाहियां जो है ना कोर्ट में दी जाएंगी। अगर मान लो कुछ चार्जशीट के अंदर कोई आदमी अगर नहीं इन्वॉल्व है, तो 319 के अंदर जो मान लो इनका कोई गवाह ये नाम लेता है कि भी ये भी आदमी था, उसको भी एज एन एडिशनल एक्यूज समन किया जा सकता है। तो ये अभी बहुत जल्दी है। आप कैसे देखते हैं इस चार्जशीट को और इस पर जो राजनीति हो रखी है उसको? देखिए जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई ना चार्जशीट आपने देखी है ना हमने देखी है, जब तक हमें यही नहीं पता कि सीबीआई ने क्या एविडेंस है उनके पास, किस बेस पे इनको चार्ज भेजा है कोर्ट में, तो जब तक वो सबूत हमारे पास नहीं उस पर कमेंट करना मेरे ख्याल में तो मेरे बस की तो बात नहीं है। लेकिन ये है कि घर तो जला है, घर तो जला है, आदमी मरे हैं, है जी, तो किसी ने तो किया है ना। जब फिर उसकी सीबीआई जांच हुई और उसके अंदर कोई दोषी आए हैं तो उसके में तो यानी अभी कोर्ट ने फैसला करने दो, उसको खामखा ये कड़ा वो नहीं है ये नहीं है, ये तो फिर सब्जिडियस मैटर है, इसके अंदर ठीक नहीं लगता मेरे ख्याल में तो। बंसल साहब, अभी आप बताइए, यही बात हुड्डा साहब कहते हैं कि अदालत फैसला करेगी, आप लोग आधारहीन बात कर रखी हैं, तो आधारहीन बातें क्यों की जा रखी हैं, इतनी जल्दबाजी क्यों है, क्या आप लोग राजनीति कर रखे हैं पूरे मामले को लेकर? हम कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, आप सबने देखा है बन्नी जी की कोठी के ऊपर हमला हुआ, जलाई गई है, वहाँ पूरे रोहतक के अंदर आग लगी है, रोहतक के अंदर शोरूम दुकानें और लोगों को लूटा गया है और पुलिस के हथियार लूटे गए हैं। पूरे मामले की सीबीआई जांच नहीं की जा रखी, पूरा रोहतक जिला उसकी सीबीआई जांच नहीं है, आपको जानकारी है इस बात की? सीबीआई ने सीबीआई की जांच तीन के सिपे एक तो पुलिस से हथियार लूटे गए हैं, लोगों पे हमला हुआ है और अभिमन्यु जी कोठी को आग लगी है, उसके ऊपर एक सीबीआई जांच हुई है, सिर्फ सीबीआई जांच कोठी पे नहीं, तीनों पे हुई है, और उसके बाद का जवाब दीजिए, क्या अदालत ने दोषी करार दे दिया इन लोगों को?
अदालत में केस जो सीबीआई ने रिपोर्ट दी वो दाखिल हुए, उसके ऊपर सबको नोटिस जाएंगे, जैसे कहा वो तो ऊपर जो अपना कोर्ट का मामला है, कोर्ट ने अपने हिसाब से करना है, जैसे जैसे वो जिसके ऊपर चार्ज लगेंगे उनके खिलाफ केस दर्ज हो जाएगा, वो तो कोर्ट ने देखना, उसके अंदर टाइम लगेगा, 6 महीने लगे, साल लगे, 2 साल लगे वो, लेकिन सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट दे के उनके ऊपर जो जो लोग हैं उनके ऊपर। ठीक है ढिंगरा साहब, आपको जो अशोक तंवर से भी जो सवाल करना था वो अभी कीजिए, क्योंकि राकेश शर्मा जी हैं हमारे साथ, वो जवाब देंगे इस बात का। देखिए वो मैं 1 मिनट बाद में करता हूँ, पर जो अभी संदीप कोटला जी ने कहा मैं 1 मिनट पहले वो करता हूँ, फिर उससे बाद वो बात करते हैं। संदीप कोटला जी ने यही बात कही कि अभी सारा कुछ होना है, इनको जल्दी क्या है बीजेपी वालों को चार्जशीट के ऊपर वो करने की, डिस्कस करने की, मैं जल्दी बताता हूँ क्योंकि अभी इलेक्शन नजदीक आ रहा है, जल्दी इनको ये है कि ऐसे मुद्दे उठाए जाए जिससे किसी ना किसी कांग्रेस पार्टी को या कोई और दल है उसको बदनाम किया जाए। ये सिर्फ एक मुद्दा नहीं उठाया गया, इन्होंने INLD पे भी मुद्दा उठाया कि जो महम कांड 1990 में हुआ था उसके ऊपर जो है जो कार्रवाई है वो क्या होनी चाहिए। अदालत ने संज्ञान लिया है, लेकिन अदालत के बीच में किसी ने एप्लीकेशन दायर की है तभी संज्ञान लिया गया है, पहले से याचिका लगा चुके थे, वही मैं याचिका की बात कर रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ, इलेक्शन नजदीक आ गया है तो ये याचिकाएं लग रही है, और ये जो बीजेपी है ये इस तरह से मुद्दा उठा के दोबारा जाट रक्षण को उठाना चाहती है, इसीलिए कैप्टन अभिमन्यू 2016 से लेकर चुप बैठे रहे अभी तक। नाम तो कांग्रेस से जुड़े लोगों के आते हैं, पैनल पर आरोप भी यही लगते हैं। मैं कहां प्रूव है, आप प्रूव करिए कौन सा नाम सामने आते हैं। मैंने नहीं कहा साबित हुआ, मैंने नहीं कहा साबित हुआ, नाम तो सामने आते हैं ना, मैं तो यही बात कर रहा हूं, जो नाम सामने आते हैं उसे आप प्रूव करा सकते हैं। ज्योति जी मैं सुनता हूं आपकी बात, बीजेपी से पहले कहा कि कांग्रेस के लोगों के नाम आ सकते हैं, एक मिनट, आप कहते हैं कि कांग्रेस के लोगों के नाम आते हैं, क्या प्रूफ है कोई बीजेपी का? मैं ये पूछना चाहता हूं कोई प्रूफ है कि ये कांग्रेस का आदमी है, ये प्रूफ कौन देगा? और दूसरी बात, एक मिनट, अभी INLD वाले अभी अभी अनिल आर्य जी ने एक बात कही थी, सचिन का नाम सामने आया है सर, प्रदीप देसवाल कौन सा आदमी है, इनेलो से संबंधित है या नहीं है, धरने में बैठा था या नहीं था, उसका नाम भी इसके अंदर है, आप ये नहीं कह सकते कि उसका नाम नहीं है, इन्होंने सभी लोगों को बीच में फंसा के चार्जशीट बनाई है, प्रदीप देसवाल धरने पे बैठा रहा जाट रक्षण के दौरान, वो इनसो का आदमी था, इनसो चौटाला साहब से संबंधित है, और वो लोग सभी इसमें इन्वॉल्व, जाट इस जलाने के बीच में अभियुक्त बनाए हुए, तो ये चीज सारे जने इन्वॉल्व बनाए थे, ये इलेक्शन स्टंट है, सामने आ जाएगा, क्लियर होगा। सुदीप कुलकर्णी जो है भूपेंद्र हुड्डा के रिश्तेदार है, ये इलेक्शन स्टंट है, क्लियर हो जाएगा, जो भी रिश्तेदारियां, ये क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन किसका रिश्तेदार है, ये सारी चीज बीजेपी के ऊपर ठीकरा फूटेगा, इसीलिए ये सारी चीज बंद करी जा रही है। 30 आदमियों के ऊपर मंत्री के घर की फोटो में खिंचाते हैं, उनको पता लगेगा कि ये काम करवाने में किसका न्यायालय में दूध का दूध पानी का पानी होगा, न्यायालय में जाएगा, आप लोग कुछ नहीं करने वाले, आप लोग दंगे करवाने वाले लोग हो। प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट कहती है बीजेपी ने दंगे करवाए, वो दोषी है, ये प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट कहती है, आप लोग कौन हो ये चीज कहने वाले? आप लोगों ने सीबीआई की जांच नहीं कराई पूरे मामले पे, झूठ बोलते हो आप चैनल पे, पूरे मामले पे सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाई गई? ओनली सिर्फ कोठी जलने के ऊपर क्यों कराई गई? बच्चों की मौत गीता भुक्कल की कोठी जली, उसके ऊपर क्यों नहीं कराई गई जांच? दूसरे लोगों के सारों के इतने इतने घर जले, उसके ऊपर क्यों नहीं कराई गई जांच? ये 5 डिस्ट्रिक्टों में सारा ये काम हुआ, मूर्थल में इतना बड़ा कांड हुआ, बलात्कार कांड हुआ, उसके ऊपर क्यों नहीं कराई गई जांच? झूठ बोलने की सरकार है। रुकिए रुकिए, राकेश शर्मा जी हैं, आप तवर खेमे के माने जाते हैं, बहुत स्वागत है आपका। शर्मा जी, अशोक तंवर की ओर से जो कहा गया कि जिन लोगों ने कैप्टन अभिमन्यु का घर जलाया उन लोगों ने दिल्ली में मुझ पर हमला किया था, उन गुंडों ने, कौन लोग थे वो? केवल ढिंगरा साहब का सवाल भी है आपसे। मैडम, जिन लोगों ने अध्यक्ष जी के ऊपर हमला किया था वही लोग कोठी जलाने में दिखाई दिए, ये हमें
प्रेस के माध्यम से पता चला। नाम बता दीजिए। हाँ। नहीं बताइए आपको कौन से प्रेस के माध्यम से हमें पता चला। प्रेस के माध्यम से कह रहे हैं अभी। प्रेस के माध्यम से उनको पता चला और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो लोग चाहे वो किसी भी समाज के थे और किसी पार्टी के थे और किसी व्यक्ति क्लियर कर दे कौन सी पार्टी के थे और किसने को जलाया ये भी क्लियर कर दे। जो आदमी शरारती है जिसने प्रेस का माध्यम कौन सा वो भी क्लियर करो और जिसने कोठी चलाने में जिसको देखा गया उनको सजा मिलनी चाहिए। कहां से जानकारी मिली और क्या जानकारी मिली, कौन से लोग हैं? क्योंकि बीजेपी तो आरोप लगाई है हुड्डा साहब पे, हुड्डा साहब के करीबियों पर। उसमें अशोक तंवर भी बयान दे देते हैं, उनकी ओर से कहा जाता है कि ये वही गुंडे थे जिन्होंने मुझ पर भी हमला किया था। जो भी वो लोग थे, जो शरारती लोग थे, उनको सजा मिलनी चाहिए। सर सजा मिलनी चाहिए तो सब चाहेंगे, लेकिन व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिया उसमें। आप ये तो बता दे कि कौन से प्रेस मीडिया माध्यम ने आपको कहा? अखबार से पता चला हमें। अखबार से नहीं, कौन सी अखबार में पता चला? तब कौन सी अखबार में लिखा है? बयान दिया कौन सी अखबार में लिखा है? हाँ सभी बता दें कौन सी अखबार में लिखा है? कौन सी अखबार में लिखा है? बयान दिया, बयान झूठा नहीं था। नहीं बताएं कौन सी अखबार है, कौन आदमी है, किसका षड्यंत्र है, बता दीजिए। वो लोग कौन सी पार्टी से संबंधित है बताएं आप, बताइए। देखिए आपकी रैली में गए थे, स्वाभाविक तौर पर आपकी ही रैली के लोग, आपकी पार्टी के लोग गए होंगे सर आपकी रैली में। जो तस्वीरें सामने आई थी उसके आधार पर जांच भी शुरू कर दी गई थी, शिंदे कमेटी का गठन भी किया गया था। अब अशोक तंवर साहब ये भी नहीं मानते कि हुड्डा साहब को क्लीन चिट मिल चुकी है उस मामले में, उसके बाद बयान देते हैं, नाम आप लोग क्लियर करते नहीं है। बताइए राकेश शर्मा जी, हाँ जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि हुड्डा साहब के करीबियों ने कैप्टन अभिमन्यु की कोठी को जलाया था? मैंने कहा जो लोग भी थे वो, चाहे वो किसी पार्टी के थे, रैलियों में सभी रैलियों में पार्टी के लोग ना जाकर सभी लोग जाते हैं। नहीं कर रहे आप, आप बयान को तोड़ मरोड़ के पेश मत करिए। आप ये बताइए कौन लोग है, वो कांग्रेस से संबंधित है, कौन सी पार्टी से संबंधित है, आप बताइए, क्लियर करिए ये चीज को, क्योंकि इसी के ऊपर बहस हो रही है आज। शरारती तत्व किसी भी पार्टी का हो सकता है, तो आप क्लियर करो कौन सा है, किस पार्टी का इत्तेफाक है सर? फिर ये गजब आप बताइए किस पार्टी का, क्लियर करिए। आप गोलमोल नहीं कर सकते इस बात को। उस वक्त सीधे सीधे कहा गया था अशोक तंवर की ओर से, हुड्डा साहब पर वार किए गए थे, निशाने साधे गए थे, आरोप लगाए गए थे उनके पीएसओ पर, आरोप लगे थे। अभी केस भी करवाया गया था, नामजद लोग हुए थे, उसके बाद आप कहते हैं शरारती तत्व थे। शरारती तत्व किसी पार्टी हो सकते हैं जो थी, जो लोग थे वो तो कहते हैं ये कांग्रेस के ही शरारती तत्व हैं, वो बीजेपी के भी हो सकते हैं, वो बीजेपी के भी हो सकते हैं। चार सीट किसको किया? बंसल साहब बताइए इस बात का जवाब दीजिए। ओपी धनखड़ ये कहते हैं कि बधाई देते हैं अशोक तंवर को, अभी राकेश शर्मा कहते हैं वो बीजेपी के हो सकते हैं। आप बताइए ज्योति जी, आप पहले इस बात पे आप डिबेट कर रहे थे, राकेश जी तो मुकर गए। आप बताइए, आप इनसे पहले तो आप इनसे क्लियर कर रहे हैं, मेरे से कर रहे हैं नहीं नहीं क्लियर उनसे करना चाहिए कि जिस बात पे डिबेट हो रही है वो मुद्दे से मुकर गए। वो बताएं कौन सी पार्टी के, वो बीजेपी पर आ गए अभी। तो फिर भी राकेश शर्मा जी, क्या आप अशोक तंवर से बातचीत करके आए? ठीक है बंसल जी, जवाब दें। बंसल साहब जवाब दीजिए। जिस दिन तंवर जी की रैली थी, रैली के अंदर उनके ऊपर हमला हुआ, तो वहाँ कांग्रेस के लोग थे, कांग्रेस की रैली थी, ना कि बीजेपी की रैली थी। और उसके बाद उन्होंने सारे पेपरों में अगले दिन आए, किसी भी पेपर को आप निकाल के देखो, सबने कहा भी हुड्डे के लोगों ने तंवर जी पे हमला किया। ये सारी प्रेस में आई, मीडिया में आई, सब जगह आई। वही शिकायत लेकर राहुल जी के पास तंवर जी गए भी, मेरी रैली को फेल करने के लिए पहले पूरे षड्यंत्र रचे, उसके बाद हमारे ऊपर मेरे ऊपर हमला किया, और ये आप इसके अगेंस्ट एक्शन लो। फिर शिंदे कमेटी बनी, उसकी रिपोर्ट जो भी होगी इनको पता होगा। लेकिन ये सारा जो पेपर के अंदर अगले दिन सभी प्रेस मीडिया ने प्रेस और सारे पेपरों में आने के बाद राहुल जी के पास ये सारी बात गई। जब गई है तो उनका पता कांग्रेस के खिलाफ गई है, जो जिनके FIR लॉज हुई वो भी लोग देख लो कौन है कांग्रेस के, ये बताएं किन किन के खिलाफ हुई है। तो उसके अंदर अगर आज ये कहते हैं भाई अब 15 तारीख को बोले, और 15 इसलिए बोले कि इन्होंने उस वक्त इन्होंने कहा यही लोग थे जिन्होंने मेरे ऊपर हमला किया। मेरा फिर सवाल वही है राकेश जी से कि ये क्लियर करें कि वो आदमी कौन थे, इनको कौन से प्रेस के माध्यम ने बताया कि वो लोग कौन थे और कौन सी पार्टी से संबंधित थे। मैं राकेश जी से इसलिए पूछना चाहता हूँ कि आपने डिबेट इसी बात पे की है, तो आज राकेश जी का ये बताना बनता है कि वो
वो ये बता दे आपने तवर गुट लिखा हुआ नीचे तो ये बताए कि कौन से थे वो लोग, डिबेट क्यों हो रही है, डिबेट आपकी बात पे हो रही है तो आपको ये क्लियर करना चाहिए वो कौन से लोग थे। राकेश शर्मा जी को जवाब है आपके पास। तवर साहब ने हुड्डा जी का नाम कहीं नहीं लिया, पहली बात। दूसरी बात, वो जो शरारती लोग थे वो किसी भी पार्टी को हो सकते हैं, कांग्रेस के भी हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी हो सकते हैं। दिया हमला हुआ है, लोगों ने हमला किया, मीडिया में आज सारे ने देखा था, पूरे हरियाणा ने देखा था, पूरे देश ने देखा था, और नामजद किए गए थे लोग, शिकायतें दर्ज करवाई गई थी, एफआईआर करवाई गई थी। अब आप मुकर जाते हैं कि वापस शर्मा जी, अशोक तंवर मैडम मैं फिर वही बात कर रहा हूं, अशोक तंवर अभी नहीं मुकरे हैं सर, आप पैनल पर मुकर गए इस बात से कि शरारती तत्व थे वो। बिल्कुल शरारती तत्व थे जी वो, जिन्होंने रैली में आके ऐसी बात की। वो लोग कौन सी मीडिया से थे वो भी तो बता दिया। अनिल आर्य जी क्या लगता है आपको, बताया अशोक तंवर ने आरोप तो लगा दिया आंखें मीडिया के हवाले से ही सही, और निशाना साधा गया आंखें भूपेंद्र हुड्डा पर कहीं न कहीं। ज्योति जी देखिए, ये तो अशोक तंवर जी मेरे ख्याल से मैडम देखे फंस गए हैं एक प्रकार से, कि ना उनसे अब उगलते बनेगा या ना निकलते बनेगा। ये बयान जो है उनका, एक कॉलेज के जैसे प्रेसिडेंट होते हैं कांग्रेस के अध्यक्ष का बयान नहीं हो सकता। ये तो मुझे लगता है कि जब भी बोलते हैं अशोक तंवर जी, वो बीजेपी या इनेलो के खिलाफ कम बोलते हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कम ज्यादा बोलते हैं। और जो ये बयान है स्पष्ट तौर पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ है, चाहे शर्मा जी माने या ना माने। लेकिन दो तीन बातें, नाम कहीं नहीं लिया हुड्डा साहब का, मैं फिर एक क्लियर करना चाहता हूं बात आपको, राजनीति में सारी बातें स्पष्ट नहीं कही जाती, मैटर हम बाहर बैठ के सेटल कर लेंगे, इसमें मुझे लगता है किसी दूसरी पार्टी का आर्गुमेंट करना चाहिए। तो बयान तो अशोक तंवर जी ने दिया है, आप उसी धड़े से बिलोंग करते हैं, अशोक तंवर जी से आप बात करें, हुड्डा साहब ने बयान नहीं दिया ये, और आप कह रहे हैं कि हम घर में बैठ के सेटल कर लेंगे, मतलब खुद ही बयान दे रहे, खुद ही सेटल कर लेंगे। ये बयान तो जो है हुड्डा साहब की तरफ से आना चाहिए था कि सेटल कर लेंगे। लेकिन कोठी की रिगार्डिंग दो तीन चीजें हैं ज्योति जी, मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। एक तो ये था कि केवल 52 लोग उसमें शामिल नहीं थे। हम तो बिल्कुल क्लियर बात करते हैं, ये पूछते हैं इनसे कौन सा बयान है और कहां है। दिंगड़ा जी एक मिनट, कोठी के मामले में केवल 52 या 53 आदमियों को आरोपी बनाया गया, जबकि जब जो वीडियो है वो दो तीन बार कोठी जलाई गई है, उसमें सैकड़ों हजारों लोग शामिल है। किसी भी जगह अगर ये सरकार, ये बीजेपी सरकार इतनी मुस्तैद थी जितनी आज ये इंक्वायरी के ऊपर डिबेट कर रहे हैं, किसी भी जगह क्या लाठीचार्ज हुआ, कहीं वाटर कैनन का प्रयोग हुआ, सीधी गोलियां मारी गई है। अगर गोली मारने का नियम है, ये आईपीएस साहब बैठे कि गोली कब चलाई जाती है, पहले जो है वार्निंग दी जाती है, उसके बाद लाठी चार्ज होता है, वाटर कैनन होता है, रबड़ की गोलियां चलाई जाती है। 30 लोगों की हत्या पुलिस के द्वारा, 30 लोगों की हत्या के ऊपर सीबीआई इंक्वायरी नहीं होती है, केवल एक कोठी के ऊपर इंक्वायरी होती है, यह जांच का विषय है। और जो है एक गृह मंत्रालय जो इस मैंने प्रिमली तौर पर यह रिपोर्ट देखी है सीबीआई की, उसमें मैंने कहीं भी होम मिनिस्ट्री का जगह नहीं देखी है। अगर इसमें जांच होनी थी, अगर नेशनल लेवल की कोई एजेंसी जांच कर रही है, तो इसमें गृह मंत्रालय को क्यों नहीं इन्वॉल्व किया गया, गृह मंत्रालय जिनके पास था उनसे क्यों नहीं पूछताछ की गई कि जब यहां दंगे भड़क रहे थे आपके पास सीबीआई इनपुट था, आईबी इनपुट था, सारी चीजों का इनपुट था, तो तब ये सारी चीजें हुई, तब आप कहां सो रही थी सरकार। बंसल साहब जवाब दीजिए इस बात का। जब वहाँ पे गोली चलने से पहले वहाँ पुलिस ने आंसू गैस भी छोड़ दिया, पानी के फुहारे से भी किया, रबड़ की गोलियां चलाई, वो उसके बाद ही जो एक्शन हुआ उसके बाद हुआ। ये बात जो है बिल्कुल गलत कह रहे हैं, उसके बाद ये दंगे जो भड़के हैं, ये दंगे भड़काने के ऊपर पूरा षड्यंत्र रच के पहले रोहतक शहर को जलाया गया, उसके बाद इन्होंने जाके विमानी के कोठी के ऊपर अगर आपने 52 लोगों को आइडेंटिफाई किया, 52 लोगों को आइडेंटिफाई किया आपने, 1000 लोगों में से चल रहा था, क्या आप सेकंड चूज नहीं कर रहे अगर सर क्या काम जो डाल बंसल साहब अगर आप सेकंड चूज क्यों कर रहे हैं, 1000 लोगों में से 1500 लोगों में से आप केवल 52 आदमियों को आरोपी बना रहे हैं, 10 आदमी जो है सीबीआई ने अंदर किए हैं, अभी सीबीआई जांच में अंदर आए 10 या 12 लोग जो भी आए हैं। मेरा सीधा सवाल यह है कि वो लोग आसपास के ही गांव के थे जिन्होंने कोठी जलाई है, एक बार जलाई, दो बार जलाई, तीन बार जलाई, सभी के सभी आरोपी क्यों नहीं बनाए गए, क्या आपने उनमें से पिक एंड चूज किया है, 52 लोग कैसे आइडेंटिफाई हो गए उनमें से 1000 आदमियों में से। तोमर साहब क्या लगता है सीबीआई की जांच को लेकर भी आरोप उठ रहे हैं फिलहाल? देखो जी, पढ़े बगैर तो कोई कमेंट करना मैं तो इसको ठीक नहीं समझता।
सीबीआई ने क्या लिखा हुआ है, क्या उसके पास एविडेंस है, क्यों सिर्फ 11 आदमियों को किया। मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी, इसमें तो 51 आदमियों का लिखा हुआ है कि भाई शायद 51 आदमियों का चलान किया गया है। तो मुकदमा तो सीबीआई दर्ज करती है, उसके बाद ही ये चार्जशीट होती है, चलान होता है, कोर्ट में भेजा जाता है। और जहाँ तक इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि स्पेसिफिक कैप्टन साहब का घर ही क्यों सिलेक्ट किया गया, क्यों उनको ही डैमेज किया गया, तो ये तो देखने की बात है। वो सीबीआई ने देख लिया, सीबीआई ने इंक्वायरी कर लिया कौन कौन इसमें दोषी थे। गीता मुकुल का भी जुड़ाया जी। अरे भैया उसकी तो इंक्वायरी नहीं कराई ना सीबीआई के पास, तो उसकी जांच ही नहीं थी। सफेदों के एमएलए का भी जुड़ा है। हाँ, जो क्लियर है वो ये है कि आरोप हुड्डा साहब पर बीजेपी भी लगाती है, आपके अशोक तंवर भी आरोप लगाते थे, हालांकि राकेश शर्मा जी क्लियर नहीं कर पाए वो अलग बात है, लेकिन अशोक तंवर की ओर से तो कहा गया। देखिए इलेक्शन का प्रपंच बीजेपी रच रही है, और जो 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 सवाल जो 2016 में इलेक्शन कहां से आ गए, 2016 में इलेक्शन कहां से आ गए, जा के गले में यही तो सुन रहा हूं। आज जो कर रही है 2016 में कहां से आ गए, ये हुआ इसलिए निकाला है, इलेक्शन इलेक्शन ठीक आ गया की बात है। 2016 के अंदर सीबीआई की रिपोर्ट आई है, सीबीआई को आज याद आई, एक साल पहले रिपोर्ट कर इलेक्शन के नजदीक उठा, एक साल में रिपोर्ट करने आपसे सवाल पूछा कि ये पहले ही क्यों इतनी जल्दी क्या थी, तो ये क्लियर बात है कि इलेक्शन से पहले ये उज्जैन निकालना था बाहर, और कांग्रेस को और आईएनएलडी को और दूसरे दलों को बदनाम करने के लिए ये साजिश रची बीजेपी ने। वो कहां है इसके अंदर, कहां से आ गए ये मुख्यमंत्री की पद पाने का लालच था, पूरा दबाव लगाया खट्टर साहब को हटाने के लिए, और इनकी जो पार्टी के महागठबंधन का जोर लगा लिया, बीच में जो उन्होंने कार्रवाई करनी थी वो इनके बीच में महागठबंधन में आपका 150 सीट को देने वाला इलेक्शन की बात छोड़ो, इलेक्शन का मामला था सर, ये आरोप जो है ये राजकुमार सैनी का सारा रोल है इसके अंदर। प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है राजकुमार सैनी का रोल है, होम मिनिस्ट्री फेलियर रही, होम मिनिस्ट्री जो थी वो खुद खट्टर साहब थे, और सारी सरकार फेलियर रही, होम सेक्रेटरी फेल रहे, सारा प्रशासन फेल रहा, इतना गोलीकांड होने दिया, इतने बच्चों को मरने दिया, सरकार ने बहुत को बनाया, इस तरह के तीन कार्य हरियाणा करा चुके हैं, और ये उसके बाद दूसरे के ऊपर फोड़ने की बात करते हैं, लोग सब जानते हैं हरियाणा के, इनको जवाब देंगे वो इसकी चोट से, बड़े हैं शरारता जिन्होंने की उनको, इनको वोट की चोट से लोग जवाब अपने अपने सजा मिलेगी, जब इलेक्शन आएगा तो सजा क्या होता है, इलेक्शन तो इलेक्शन की तो बात ही नहीं, आप इलेक्शन तो उससे पहले प्रपंच रखे हैं, इतना बड़ा कांड हुआ उसके आप लोग ये नहीं कर पा रहे कि वो लोग कौन है, आप लोग ये नहीं बता पा रहे कि वो किससे संबंधित है, बिल्कुल अभिमन्यु के साथ उनकी फोटो भी लोगों को मार्बिन की बात नहीं की आपने, आपने इलेक्शन इलेक्शन कर ऊपर चार सीट हुई है जिनकी फोटो में कैप्टन अभिमन्यु के साथ है, मुख्यमंत्री के साथ है, ये धनकर के आधार पे आधार वो आप कैसे कर सकते हो, वोटों के आधार पे कैसे कर सकते हो, आगे बढ़ेंगे राकेश शर्मा जी, वोटों के आधार पे नहीं होती है, बोले हैं आपने जवाब दिया कि राकेश शर्मा जी ये मुद्दा यही था कि बीजेपी आरोप लगा रखी थी कांग्रेस के ऊपर, हुड्डा साहब के ऊपर, अशोक तंवर खुद उतर आते हैं इस पूरे फ्रेम में, वो आरोप लगा देते हैं फिर मीडिया का हवाला देते हैं, उसके बाद आप क्लियर भी नहीं कर पाते। मैं मैडम फिर कह रहा हूँ कि ये जो शरारती लोग थे वो कांग्रेस के भी हो सकते हैं, बीजेपी के हो सकते हैं, किसी और पार्टी के भी हो सकते हैं, तो आप कांग्रेस के तो क्लियर करिए कौन आदमी है, और तंवर साहब अगर वो कांग्रेस का है तो राकेश जी आप यहाँ क्लियर करिए चैनल के ऊपर भी कौन लोग है, दूसरी बात बताइए कौन लोग है, एफआईआर में नाम है तो कहा ही नहीं गया, ये कहा गया है कि वही लोग हैं, ये वही गुंडे हैं जिन्होंने मुझ पे हमला किया था, आप भाई नेम क्लियर आपको दिया, अगले दिन अखबारों में नाम है उनके, अगले दिन अखबारों में आपकी जानकारी भी है, अशोक तंवर की ओर से जो आरोप लगाए गए थे, एफआईआर करवाई गई थी, शिंदे कमेटी का गठन किया गया था, क्या बीजेपी के लोगों पर था, क्या शरारती तत्वों पर था, उसके बाद आप कहते हैं कि कांग्रेस के लोग भी हो सकते हैं, अगर हो सकते हैं तो कौन थे बताइए। तंवर साहब ने कहीं नहीं कहा कि हुड्डा के आदमी थे वो जो भी लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और हमने उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च कराई है। ज्योति जी ये तो ये बात हो गई है कि उनको भी अंदर करवा दो, जो वहाँ दिल्ली में एक एफआईआर दर्ज है उनको इस जाट आरक्षण और कैप्टन अभिमन्यु वाली कोठी में भी आरोपी बनाया जाना चाहिए। शायद अशोक तंवर जी ये कहना चाह रहे हैं, नाम लिखे हुए हैं बाकायदा, अशोक तंवर जी ने नाम आइडेंटिफाई कर रखे हैं, एफआईआर लॉज है, सब कुछ चीजें वहाँ मौजूद। बताइए राकेश शर्मा जी है कोई जवाब, नहीं होने चाहिए उनके खिलाफ कार्रवाई, होना चाहिए क्या होता है सर, किन के खिलाफ कार्रवाई हो, कौन लोग हैं वो बताइए, आए गए हैं नामजद किए गए हैं लोग, शिकायतें दर्ज करवाई गई हैं, उसके बाद आप कहते हैं कि बीजेपी के भी हो सकते हैं, ये हो सकते हैं क्या होता है सर,
राकेश शर्मा जी, मैडम कांग्रेस के भी कहीं आइडेंटिफाई नहीं हुए, वो शरारती लोग थे, उन्होंने आके रैली में हड़दंग मचाया। आपकी पार्टी का आंतरिक मुद्दा रहा जो कि बाद में कहा गया, इंटरनल डेमोक्रेसी आप लोगों ने नाम दिया, उसके बाद आप कहते हैं कि बीजेपी के लोग भी हो सकते हैं। बंसल साहब, हुड्डा साहब की ओर से कहा गया है कि कैप्टन की बौखलाहट है, जिस तरह के आधार की आरोप वो लगा रखे हैं और अदालत फैसला देगी। जब तंवर जी के ऊपर हमला हुआ तो कांग्रेस की रैली थी, रैली के अंदर कांग्रेस वालों ने हमला किया, अगले पेपर में आया पूरा, एफआईआर लॉ जी उसके अंदर भी नाम है लोगों के जिनके नाम है, वो पता लग जाएगा कांग्रेस के हैं नहीं है। तो उसके अंदर मीडिया के अंदर रिपोर्ट का जिक्र क्यों बात हो रही है, आपको कांग्रेस की रैली दिखती है क्या? आपको तो दिन रात में अब कांग्रेस ही दिखेगी, इलेक्शन नजदीक आ गया, आपको कांग्रेस दिखेगी के अंदर हुआ। कोटला साहब, आपका आखिरी कमेंट इस विषय पर, अगर ये आरोप झूठे हैं तो क्या कुछ कानून? जी जल्दी बोलिए, अनिल आर्य जी बताइए। ज्योति जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सरकार ने बहुत सारे मामले जाट आरक्षण के दौरान जो बंद किए थे, कुछ और थे, हजारों मामले वापस लिए हैं। मेरा सरकार से ये अनुरोध है कि जो बच्चे वहां पर जिन्होंने हमला किया था, अगर वो षड्यंत्र के तहत था और वो जैसे कैप्टन साहब के बच्चों को मारने के लिए था, तो वो कुछ लोग हो सकते हैं, एक दो लोग हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, इतने सारे बच्चों को द्वेष के अंदर बंद ना किया जाए, उनको भी जिस तरह से ये छूट दे रहे इसी तरह से उनको भी माफी दी जाए। कोटला साहब, आखिरी कमेंट आपका। देखो इसमें अभी इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग, अभी चार सीट फाइल हुई है, आप लोग चार सीट के ऊपर इतनी बहस कर रहे हो, अभी प्रीजुडिशियल बयान भी तो इस तरह के आ रहे हैं ना, ये बड़ी बात गलत है ये, आप कोर्ट की कार्रवाई को जो है ना एक तरह से इंटरफेयर कर रहे हो। बिल्कुल, अभी कोर्ट में लोग बंद है पहले के, देखो पहले एविडेंस तो आने दो ना उनके खिलाफ, एविडेंस आने दो, एविडेंस आने के बाद पता लगेगा, अभी अगर एविडेंस उनके खिलाफ आएगी तो दे विल बी कन्विक्टेड, अगर एविडेंस ही उनके खिलाफ नहीं आएगी दे विल बी एक्विटेड। आज की तारीख में सिर्फ अभी चार सीट फाइल हुई, चर्चा में बने रहने के लिए तो बड़ी बात भी, बड़ी बहस इस विषय को लेकर की गई कि सीबीआई चार्जशीट देती है, दाखिल करती है, उसके बाद सियासत गर्मा जाती है, बीजेपी जो बोलती है वो थोड़ा समझ में आ भी सकता है, हुड्डा साहब कह सकते हैं कि राजनीति कर रखी है, बदला ले रखी है किसी तरह का, लेकिन अशोक तंवर की ओर से जो आरोप लगाए गए हैं उसको लेकर सवाल उठे।